सिद्धा शुक्ला के निधन की जैसे ही खबर आई, आसिम रियाज कूपर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां परिवार के साथ लगभग एक घंटा तक वो मौजूद थे और जब वो बाहर निकले, साफ देखा जा रहा था कि वो टूट चुके थे। आसिम ने एक इंस्टा पर पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज सुबह ही सिद्धार्थ ने मुझे गले लगाया, मैंने सपना देखा। अब हिमांशी खुराना जो है वो लगातार शहनाज के फैंस को दिलासा दे रही हैं और कह रही हैं कि काश शहनाज में तुम्हारे साथ होती। हिमांशी ने ट्वीट किया, आप देखिए हिमांशी और शहनाज को लेकर हमेशा ये बातें होती रहीं कि दोनों दुश्मन हैं, लेकिन मुसीबत और दुख ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी को पास ले आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा दिल साफ थे। जो भी प्रोफेशनल रहा होगा चीज़ें, हालांकि अब वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन हिमांशी ने लगातार कई ट्वीट किए और उन्होंने इसमें लिखा कि कहानी ऐसे खत्म हुई कि सब रो दिए तालियां बजाते। मैं तो सिर्फ शहनाज के बारे में सोच रही हूँ, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मेरा प्यार तुम्हारे साथ शहनाज, काश मैं तुम्हारे साथ होती। जैसे ही हिमांशी ने ये ट्वीट किया, एक फैन ने लिखा कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, जिस पर हिमांशी ने लिखा आसिम जो है अभी अस्पताल में है। एक और शहनाज फैन ने लिखा उन्हें किसी की ज़रूरत है, पॉसिबल है तो प्लीज़ आप उनसे बात करो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। इस पर हिमांशी ने जवाब दिया मैं ज़रूर करूँगी, मैं आपसे ये वादा करती हूँ। तो इस तरह हिमांशी लगातार शहनाज के फैंस के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें ढांढस बता रही हैं और उन्होंने लिखा हे भगवान, इस पर यकीन ही नहीं हो रहा मुझे कि अब सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। तो हिमांशी आगे आई और उन्होंने जो है इस बात को लिखा कि उनका मन है कि काश वो इस समय शहनाज के साथ होती। जिस तरीके से शहनाज के पिता ने बताया कि शहनाज टूट चुकी हैं, किसी से बात नहीं कर पा रही, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो है वो चाहती हैं कि वो इस समय जो है शहनाज के साथ होती। फैंस को कह रही हैं कि मैं पक्का उनसे बात करूंगी। तो शहनाज को लेकर अब हिमांशी भी परेशान है और पिता ने भी ये बताया कि कैसे शहनाज ने जब बात हुई तो ये बताया कि उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। तो बहुत मुश्किल समय में होंगी शहनाज और सभी फैंस जो हैं इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, अपने विशेज और प्रेयर्स भेज रहे हैं सिद्धार्थ के परिवार के लिए और शहनाज के लिए।